सिंपथी इज जब आप एक दूसरे शख्स के लिए एक अच्छी नियत रखते हैं, क्या किसी की हेल्प करनी है। फिर एक वर्ड आता है एम्पैथी, क्या आप अपने आप को उसकी जगह पर रखकर उस पेन को फील करें, क्या अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करूं। इंसान होने के नाते इंसानियत का दर्द है। आप यहाँ से गुजरते हुए कितनी आंखों ने पीछे मुड़ के देखा है, यहाँ पे बैठे हुए कितने लोगों ने मुझे देखा है, किसी आंखों ने मुझे अनकंफर्टेबल फील कराया है, ऐसे नहीं बोले। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि लड़कियाँ नाराज होती हैं, आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं तो सड़कों से गुजरते होंगे और उनको किसी ने उनके पैसों की या उनकी अमाउंट से लगाई होगी। आई नो आई विल मेरी लाइफ में मेरे पास पेशावर की स्पीच तो ये कहते हैं आज 20,000 10,000 रुपये। ठीक है, यू ऑल नो, सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे दो को छोटी तीसरा बंदा हमेशा हरास हुआ होगा। यू ऑल नो दैट, आप लोगों को किसने हरास नहीं किया होगा, आप लोग सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यू आर द गाइस, अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात कौन मानेगा। मैं मानूंगी आप बैठे हो। This is what society is. This is the effect. आप imagine करें कि आप पर अगर इतना कुछ है तो आपकी बहनों पर कितना ज़्यादा हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ have empathy. यहाँ से भाई दूसरा लड़का छोड़ के तीसरा लड़का हरास रहे हैं, no one's really talking about you. क्योंकि आप you're not मर्द ना अगर आपकी बात करें। ठीक है, आप तुम इसे मर्द तुम्हें लड़की ने छेड़ा तुम आगे से डरे हो, तो इस बारे में बात करो प्लीज़ मैन अप। ये तो खुशी की बात है, ये तो एक तमगा होता है लड़कों के लिए जिनको कोई आगे लड़की छेड़ दे। ठीक है, क्योंकि तमगा नहीं है, यू फील अनकम्फर्टेबल अब बात करें इसके बारे में। तो हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाता कि यार कि आप लाइक हो, आप नंबर ले सकते हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बच्चे के अंदर जो स्किल है वो डेवलप ही नहीं करता। वो उस बच्चे को इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना मेंटली उसको इतना टॉर्चर करते हैं, घर वालों की तरफ से भी, कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, इतना टेंस हो जाता है वो बेचारा क्या करे। अब आप जिस तरह कह रहे थे ना कि हम लोग पढ़ते हैं और मतलब एक वो प्रेशर सा बना के बस पढ़ो, अब बात यह कि उस्ताद और तालिबे इन में ना एक वो तमीज़ का दायरा भी नहीं है। A small act of kindness towards your mental health can be a firefighter that can lead you out of your labyrinths. So we are the firefighters, we need to get out of the labyrinths. Thank you, everyone.